हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम के 4 बजे का टाइम और मैंने स्टार्ट किया है ये वाला ब्लॉग। तो इस वाले ब्लॉग में आज मैं आपको दिखाने जा रही थी कि मेरे जो हेयर स्टाइल के चैनल है ना, तो बहुत से लोगों ने ये भी सवाल मेरे से पूछा था और बहुत ये वाले क्वेश्चन आए थे, लेकिन तब मैंने इसका रिप्लाई नहीं दिया था। इस तरह से मैंने लिख के दे दिया था, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो एक वीडियोज पे प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ। तो वही दिखाने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से अपना हेयर स्टाइल का सेटअप करती हूँ। तो हेयर स्टाइल का सेटअप करना इसलिए बता रही हूँ ना कि बहुत से लोग जो है तो हेयर स्टाइल का चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, बट जगह की प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है थोड़ी सी, घर मान लीजिए छोटा है या जगह नहीं है या कुछ भी उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लोग किस तरह से अपने सेटअप को रेडी कर सकते हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, वही आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पीछे ये मेरा बच्चा बैठा हुआ है और ये टेंशन में बैठा है कि आज इसका अपॉइंटमेंट है ना, क्यों आज इसका फिर से टीथ वाला अपॉइंटमेंट है, तो इसको जाना है। तो अभी इसको जाना है 6 बजे और अभी बजा है 4, लेकिन ये जो है ना, ये मतलब 1-2 घंटा पहले से ये परेशान हो जाती है। देखिए पूरा इसका दिमाग ना चल रहा है इसी में कि मुझे जाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे मैं डमी रखती हूँ, कैसे लाइट लगाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या जरूरत होती है ना, हमें व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो अगर व्हाइट कलर का रखते हैं हम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। उस पर सबसे अच्छा आपको क्या है कि थंबनेल बनाने में बहुत ज्यादा इजी होता है। तो यहाँ मेरे इस वाले रूम में कोई भी व्हाइट दीवार नहीं है। देखो इधर की दीवार का कलर खुद से ही मैंने करवा दिया था इस कलर का, सामने का येलो करा दिया था, साइड का ये करा दिया, और इधर भी केवल ये व्हाइट बचा हुआ है इतना हिस्सा इसका, और बस इस तरह से घूम के ही दूसरा आमने सामने का हिस्सा है बचा हुआ है वाइट वाइट का। तो मैं क्या करती हूँ, देखो डमी को मैंने इस तरह से यहाँ पे रख दिया, ये देखो वाइट के आगे, और इसको फिर हम अपना कैमरा सेट करेंगे। ये देखो इस तरह से करके रख लिया कि पूरा जो हमारा हेड है ना डमी का, वो वाइट पे ही आएगा और हमें सिर्फ वाइट चाहिए। जो विंडो है ना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि डोर पे ही पूरा वीडियो हमारा कवर हो जाता है। और चलिए अभी लगाते हैं यहाँ इसके पीछे, देखो मैंने यहाँ पे लगाई है रिंग लाइट, ये देखिए इस तरह से रिंग लाइट लगा रखी है इसके जस्ट पीछे, और साइड में भी कर्टन नहीं पड़े तो कपड़ा सब खुला खुला दिख रहा होगा आपको। तो देखिए इस तरह से लगा लेते हैं बिल्कुल जस्ट पीछे इसके रिंग लाइट, और इसमें ही मैं लगा देती हूँ कैमरा। अलग से लगाने के लिए भी है, लेकिन मैं ना उससे क्या नाम से मोबाइल से ही शूट करती हूँ, तो मैं इसमें ही फंसा लेती हूँ। तो चलिए अभी आपको लगा के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ले लिया हमने दूसरा वाला मोबाइल, और सबसे पहले ना ध्यान से इसका जो ये ब्राइटनेस होता है ना, ये फुल कर लेना है। तो ब्राइटनेस फुल रहता है तो वीडियो बहुत ही क्लियर आता है। तो देखिए इस तरह से हो गया मेरा ब्राइटनेस फुल। और हाँ एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको वीडियो में बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप इस तरह से कैमरा लगा के बैक कैमरे से ही वीडियो बनाओ। शॉर्ट बनाना है तो इस तरह से लगा लो, और लॉन्ग बनाना है तो आप इस तरह से लगा लो, लेकिन लगाओ इस तरह से कि स्क्रीन इसकी साइड को रहे पीछे की साइड, और जो कैमरा है ना ये वाला हिस्सा ये आपका रहेगा डमी की साइड। तो इस यहाँ से जो कैप्चर होगा ना इस तरह से, मतलब बैक कैमरे से जो कैप्चर होता है वो बहुत ही क्लीन वीडियो बनता है। लेकिन फिलहाल मैं जो हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखो ये जो है हमारा बेडरूम है तो इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते कि मुझे पीछे का इसमें से मतलब समझ में नहीं आएगा ना कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं कैसे शूट करती हूँ मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है अपना प्रॉपर कैमरा, और कैमरा नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर डमी रखी है और डमी से इतना पीछे मोबाइल है, लेकिन आप मोबाइल में देख सकते हो मेरी डमी कितनी क्लियर दिख रही है। ये पीछे से लाइट पड़ना है इसलिए थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बस सेट करना होता है कि एकदम बढ़िया से दिखे, जो हमें डिज़ाइन बनानी है दिखानी है वो एकदम अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। तो इस तरह से मैं लगा लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको बनाना है वीडियो बहुत क्लियरिटी चाहिए, न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बैक कैमरे का यूज़ करना। पीछे भले आप एक मिरर वगैरह रख लो जिसमें कि आपको दिखता रहे कि मतलब आपका हेयर स्टाइल किस तरह से कितना दिखाई दे रहा है, तो मिरर का यूज़ करना आप, लेकिन बैक कैमरे का ही यहाँ पे यूज़ करना। तो देखिए यहाँ पे पूरा सेटअप हो गया है रेडी, और अब मैं यहाँ पे सेटअप जब कर ही लिया है तो यहाँ पे एक दो हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे शाम को भी एक वीडियो डालना है इस वाले चैनल पे। ये मेरा दूसरा चैनल है, बाकी जो मेरा मेन चैनल है उस पर सेल्फ हेयर स्टाइल के वीडियोज़ आते हैं, तो
उसमें तो मैं अपने खुद के बनाती हूँ। ये मेरा दूसरा चैनल है हेयर स्टाइल का, तो इसमें डमी पे ही मैं बनाती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं ना, इस मेरा मतलब मेन चैनल पे जाके कमेंट करते हैं कि ऐसे दूसरे के हेयर में डमी पे डॉल पे करना तो ईजी होता है, अपने बालों में बना के बताओ। तो भाई जो लोग को भी ये शिकायत है तो वो लोग जा करके मेरे मेन चैनल मोनिका स्टाइल पे देख लेना, मोनिका स्टाइल हेयर स्टाइल डालोगे तो आ जाएगा, तो वहां पे जाके देख लेना। मैं अपने सेल्फ हेयर बनाती हूँ, और जो आप लोग कहते हो ना कि फिनिशिंग नहीं आती है सेल्फ हेयर में, तो आती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। एक बार देखिएगा जरूर, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले थोड़े से हेयर स्टाइल बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे देखिए हो गई है मेरी हेयर स्टाइल, और अभी आपको एक चीज दिखाते हैं। देखिए आज मैंने बनाया था, एकदम एक जगह दिखाऊंगा क्योंकि इसका ना सेपरेट वीडियो आएगा। ये देखो, तो ये हैंडमेड पॉट है जो कि आपको देखने को मिलेगा, इसका सेपरेट वीडियो बन रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है इसको आप तक पहुंचने में। तो मैंने कहा कि चलो भाई जब तक कुछ देर के लिए चलते हैं बाहर के साइड, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मैं बाहर नहीं निकली। तो यहाँ से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं कि नीचे कितना काम हो गया है, और वकील साहब खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं अभी तक, क्योंकि खाना तो हमने दे दिया था नीचे, बट पता नहीं अभी खाए हैं कि नहीं खाए हैं। और अभी काम नहीं हो पाया है, अभी काम हो रहा है, और ये काम होने में ना 4 दिन, आज चौथा पांचवा दिन हो गया है, और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आपको यहीं से दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, वकील साहब का आजकल यही काम चल रहा है, लगे पड़े हैं करवाने में, और आपको उसका फुल मैं दिखाऊंगी जब जब काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो पूरा कचरा जैसा फैला पड़ा है ना पूरा वहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे हो गया है 8 बजे का टाइम, नाइट के 8 बज रहे हैं, और यहाँ पे पूरा मेरा खाना वगैरह सब बन चुका है। खाने में आपको पता है सिंपल वाला दाल चावल बनता है, तो आज खाने में बनाइए अरहर की दाल, एकदम सादी चावल। और यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए बन रहा है मेरा भरता। तो वैसे तो ना भरता मतलब सादा खाते हैं ऐसे, मतलब आलू उबाल के उसमें नमक और ये सब प्याज हरा मिर्चा टमाटर वगैरह काट के डाल के, लेकिन आज बच्चों का मन था कि इसमें थोड़ा सा मतलब ऑयल डाल करके ना, और इसको मतलब फ्राई कर दूँ, तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ। आप बैक करके दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसको कर रहे हैं फ्राई धीमी आँच पे, एकदम हल्का सा मैंने यहाँ पे ऑयल डाला था, थोड़ा सा उसमें डाल दिया था जीरा और नमक ना, जब भरता बनाया था तो उसी में हमने डाल दिया था। तो बस इसको कुछ देर हम भून लेंगे, हल्का सा सुनहरापन इतने आ जाए, बस फिर यहाँ पे हमारा खाना हो जाएगा रेडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बच्चों का यहाँ पे, और बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं, तो उसके बाद आगे के खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि वकील साहब भी हैं और बाकी जो नीचे काम कर रहे हैं ना उन लोग के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए आज स्पेशल सब्जी बना रही हूँ, चने की दाल भिगो दी है, प्याज हरा मिर्चा काट के रख लिया, और यहाँ पे कद्दू और आलू देखिए यहाँ पे छोटा छोटा कट कर लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करना, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा सा छोटा काट लिया। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है मेथी दाना तेल में, तेल अच्छे से गर्म हो गया था, फिर इसमें डाल दिया है प्याज। अब इसको हम अच्छा ना गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे, और हरा मिर्चा भी डाल दिया है साथ में, आप चाहो तो डाल दो, वरना जब थोड़ा सा हो जाए प्याज तब आप डालो, बट मैंने साथ में डाला है। और उसके बाद जब ये अच्छे से हो जाए ना, तब इसमें हम डालेंगे जो हमने अब थोड़ा सा भिगो के रखी थी ना चने की दाल, तो इसको मैंने करीब करीब आधा घंटा पहले भिगो दिया था, इसको भी अच्छे से भूंज लेंगे दाल को इसमें मेनली, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी, क्योंकि पहले नहीं डालना वरना हल्दी फिर जलने लग जाती है। और उसके बाद इसमें जो सब्ज़ी काट के रखी थी ना आलू और कद्दू, तो वो इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद अच्छे से इसको हम चला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, जिससे कि जो भी इसमें ऑयल वगैरह और नमक वगैरह ना सब पूरी सब्ज़ी में एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ना बहुत ही सिंपल और सादी वाली सब्ज़ी बनने वाली है, मतलब सिर्फ हरा मिर्च का ही यूज़ करूँगी यहाँ पे, और बाकी अलग से कोई मसाला नहीं डालती हूँ मैं। और फिर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जो कि मेरे घर में ना थोड़ा सा कम ही खाया जाता है, और हम लोग पिंक सॉल्ट का ही यूज़ करते हैं, वाइट वाला सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए हर तरह से नुकसान देता है, इसलिए आप लोग भी पिंक सॉल्ट का ही यूज़ करो, वो काफ़ी बेनिफिट देता है हमारे हेल्थ को भी और बाकी हर तरह से। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी जो है मैंने छोंक दी है, और मैंने यहाँ पे गैस को मीडियम कर दिया है, जिससे कि सब्ज़ी ना जले ना, क्योंकि इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा काम हो चुका है, खाना बन गया। देखिए यहाँ पे भी रोटी ना, क्योंकि एकदम गरम गरम रख देते हैं ना कैसरोल में, तो फिर इसमें
स्टीम हो जाती है तो रोटियां खराब हो जाती हैं। तो इस वजह से थोड़ी देर रखी है बाहर। और यहाँ देखो सब्जी भी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है, पूरा काम मेरा हो चुका है कंप्लीट। तो फिर अब मैं जा रही थी नहाने, नहा दो क्योंकि अभी बज चुका है सुबह का, 8 बज चुका है, बच्चे स्कूल तो चले गए थे, उसके बाद ही ये सारा काम करती हूँ। और थोड़ा सा मतलब अब इस समय ना करीबन वीक से जल्दी कर ले रही हूँ इसलिए क्योंकि नीचे काम चल रहा है। तो वकील साहब भी मतलब खाना जल्दी खाते हैं आजकल, और दूसरी बात जो भैया लोग काम कर रहे हैं ना तो वो लोग भी खाना खाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ ये वाले ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आते चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रहना। मिलती हूँ जल्द से जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।